नमस्कार, मैं अनुजपाल रामानुज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे 2017-18 के बजट पर। इस बार खास यह है कि आम बजट के साथ रेल बजट को भी पेश किया गया है। आइए हम जानते हैं आर्थिक सलाहकार लक्ष्मी दीपक जी से कि इस बार के बजट में आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, रेल यात्रियों के लिए और आयकर के लिए क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। लक्ष्मी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने शायराने अंदाज में बजट को पेश किया, तो इस बजट पर उनका मेन मोटो क्या दिखाई देता है? जी, इस साल का जो बजट रहा, इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी जो हैं, इनकी जो फिलॉसफी रही बजट के लिए, वो मेनली रही कि चीजों को ट्रांसफॉर्म करना है, एनर्जाइज करना है और क्लीन रखना है। चीजों को ट्रांसफॉर्म और एनर्जाइज करने का मतलब है कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है चीजों को, और जो क्लीन रखने का मतलब है वो है, हम ले सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जैसा कि है, और ब्लैक मनी को देश में लाना। जी, आप हमें ये बताइए कि इस बार के बजट में खास क्या रहा है? इस साल के बजट में 3 बातें अहम रही। पहला तो आधार बिलों और FDI में छूट लिमिट में बढ़ोतरी की गई। दूसरा, बजट का तारीख से पहले आना। और तीसरी बात जो रही कि 93 वर्ष बाद रेल बजट को आम बजट में शामिल किया जाना। जी, जैसा कि आपने बताया कि 93 वर्ष के बाद सन 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग पास किया जा रहा था या पेश किया जा रहा था, तो 93 वर्षों बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आम बजट के साथ रेल बजट को भी एक साथ पेश किया गया? जी हाँ, 93 वर्ष पहले की बात कुछ और थी। उस समय 1921 में विलियम्स एडवर्ड कि जो कमेटी थी, उसने उसके विश्लेषणों पे ये पाया गया कि रेल बजट को अलग से पेश किया जाना चाहिए, और 1924 से रेल बजट को अलग से पेश किया जाने लगा। हालांकि अब इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की जा रही है, इसलिए रेल बजट को भी आम बजट में इस साल शामिल किया गया। जी, जैसा कि बजट में बात कही गई है कि स्टेशनों को सोलर पावर्ड किया जाएगा, तो ये किस हद तक सही होगा? जी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 8,000 से 8,500 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, और बजट में 7,000 रेलवे स्टेशनों को सोलर पावर की जाने की बात कही गई है। जी, जैसे कि अभी तक स्टेशन को जो विद्युत केंद्र से डायरेक्ट बिजली सप्लाई की जा रही थी, तो जब स्टेशन सोलर पावर किए जाएंगे तो इससे विद्युत केंद्र को किस हद तक लाभ पहुँचेगा? जी, लाभ जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जो हमारी सौर ऊर्जा है वो एक प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हमें एक बार निवेश करने की आवश्यकता होती है, और इसके आगामी वर्षों में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 60-70% जो जनसंख्या है वो खेती पर डिपेंड करती है। तो लक्ष्मी जी, आप हमें यह बताइए कि इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या खास है? इस साल कृषि क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि होनी है, और जो हमारे बजट में शामिल है 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात कही जा रही है। बजट में कृषि विज्ञान केंद्रों में जो है मिनी लैब स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसमें सॉइल टेस्टिंग होगी। सॉइल टेस्टिंग किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसान जो है वो एक साल में 2-3 फसल लेने की कोशिश करता है। ऐसे में जो एक ही जमीन पे एक ही जैसी फसल उगाने से जो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो सॉइल टेस्टिंग से इस चीज का निवारण होगा और इससे फसल में काफी लाभ मिलेगा। जी, जैसा कि अधिकतर सुनने में आता है कि किसान सिंचाई को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, तो सिंचाई को लेकर के इस बजट में ऐसा क्या खास किया गया है जिससे किसानों को काफी हद तक लाभ पहुंचेगा सिंचाई को लेकर के? जी, सिंचाई को लेकर के इरिगेशन क्रॉप्स जो है, इसमें इसको इसके फंड को 20,000 से 40,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी मदद मिलेगी। लक्ष्मी जी, जैसा कि हमारे देश में महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की जाती है, तो इस बार के बजट में क्या खास रहा महिलाओं के लिए? बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए 1.84 का आवंटन भी जारी किया गया है, और जो हमारे नेशन वाइड स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के तहत जो है गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जी, तो जैसे कि इस बार के बजट में नोटबंदी जो कि बीते वर्ष 8 नवंबर को 500 और 1,000 के नोट को बंद कर दिया गया था, तो नोटबंदी का इस बजट पर कितना असर पड़ेगा? जी, डिमोनेटाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो पड़ा है, पर ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जिसका आने वाले समय में जो हमारी GDP है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें बढ़ोतरी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इसका मतलब कि जीडीपी में काफी हद तक बढ़ोतरी आएगी, जो क्योंकि जीडीपी जो है वो देश में एक साल के अंदर कितना उत्पादन होता है ये फिगर हमें देता है। तो इसमें बढ़ोतरी एक अच्छे आसार की ओर हमें ले जाता है। लक्ष्मी जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे शो पे बुलाने के लिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे बजट पर आर्थिक सलाहकार लक्ष्मी दीपक जी से। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा रामा न्यूज पर। नमस्कार।